थोड़ा सा कम प्रचार आशीर्वाद है। पार्टी ने जब तय किया 2019 के लोकसभा चुनाव में के कुटी लोकसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी बनाया जा रहा है और इस बात की जानकारी जब मिली तो मैं सबसे पहले जमशेदपुर अपनी माँ के पास गया, माँ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने कहा कि जिन्होंने सादगी और सरलता के साथ लंबे अरसे तक भगवान बिरसा मुंडा के धरती का सम्मान को बनाए रखते हुए सादगी का प्रतीक परम श्रद्धेय कड़िया मुंडा जी से आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, इसी क्रम में मैं आज यहां पर आया हूं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनका स्नेह हमेशा रहा है और निर्विकार तौर से झारखंड के ही राजनीति में बल्कि देश के राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले शख्सियत है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मान्यवर कड़िया जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनके विशेषताओं और खूबियों के वजह से पूरा देश परिचित है। उन्होंने जिस सादगी के साथ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया वह सादगी न केवल क्षेत्र के जनता बल्कि पूरे राज्य पूरे देश के लोग इस बात को उदाहरण के रूप में देखते हैं और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती की पवित्रता और जिनको जिनके बारे में कहना कम है, जिन्होंने लगातार अपने लंबे कालखंड तक इस क्षेत्र को सींचने का काम किया, उनके सम्मान को बनाए रखते हुए इस क्षेत्र के जनता के बारे में जो कुछ हो सकता है किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जनता के बीच में यह निवेदन करेंगे कि आज जो देश की आवश्यकता है, गांव की आवश्यकता है और दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा है उस दृष्टि से निर्णय की आवश्यकता है, उन सारे निर्णयों में कुटी संसदीय क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस उम्मीद के साथ यहाँ के धरती को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया था उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बना के रखा जा सके इसका ध्यान रखा और इसी उद्देश्य से आगे काम करने का समय समय पर अनुभव का लाभ लेने का लगातार प्रयत्न करेंगे क्योंकि कड़िया जी ने न केवल लोकप्रियता हासिल की है
बल्कि उनके अंदर इतनी अधिक सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव है जिसका लाभ हम सबको मिले और हम सबको हमेशा लेते रहना।